हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमालयन राइडर्स। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कुछ अपना राइडिंग गियर शेयर किया था, राइडिंग जैकेट, नी गार्ड्स और ग्लव्स। रिसेंटली हमने फ्लिपकार्ट से LS2 390 हेलमेट ऑर्डर की थी, जो हमारी हेलमेट आज आ गई है। मुझे जस्ट अभी विवेक का कॉल आया था कि हेलमेट आ गई है, और उसने मुझे कहा है कि आ जाओ और अनबॉक्सिंग करते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट अनबॉक्सिंग। लेट्स गो एंड आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या फीचर्स हैं और कितनी स्टर्डी है। लेट्स गो। फिर चल रहे हैं हम विवेक के पास। एक्चुअली पूरी लाइफ जो है वो कैमरे के पीछे ही रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कैमरे के आगे थोड़ा सा मुझे हिच हो रही है अभी बात करने में। चलो कोई बात नहीं, दो चार वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। विवेक के तो काफ़ी वीडियोस मैंने शूट किए हैं, कोड विद विवेक, ही इज़ एक्सपर्ट इन कोडिंग। साथ में 2 वीक्स पहले मैंने वीडियो डाला था, उसके बाद वीडियो ही कोई नहीं डाला। एक्चुअली राइड पे नहीं गए, मैं भी फुल टाइम वर्किंग हूँ, विवेक भी फुल टाइम वर्किंग है, और कोडिंग करता है विवेक, और उसको क्लाइंट से मिलने चंडीगढ़ जाना पड़ा। इस संडे को भी हम नहीं कर पाए, शायद नेक्स्ट संडे भी आउट ऑफ स्टेशन होगा अगेन, थोड़ा सा बिजी है किसी असाइनमेंट में। तब तक हम गियर इकट्ठा कर रहे हैं, एंड डेस्टिनेशन तो हमारी लद्दाख है, लद्दाख जाना है हमने। जैकेट आ गई है, ग्लव्स आ गए हैं, नी गार्ड्स हैं, हेलमेट आ गई है। अभी एक सेट हमने लिया है, लद्दाख जाने से पहले सेकंड सेट भी ले लेंगे, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, एसी नहीं लगा रहा, अभी एक्सपीरियंस नहीं है वीडियोस का कि साउंड फ़ैन की कैसी आएगी, माइक्रोफोन पे बहुत ज़्यादा कैप्चर हो जाएगी। बट हाँ, बॉम्बे में मैं रहा हूँ काफ़ी साल, वैसी ह्यूमिडिटी तो नहीं है यहाँ पर, फिर भी अब 20 साल हो गए हैं यहाँ पर, 22 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पर जम्मू में रहते हुए, तो ह्यूमिडिटी तो है बहुत ज़्यादा। जुलाई का महीना शुरू होने वाला, ये 2 महीने हैं ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के। तो भाई लोगों, ये आ गई है गोल मार्केट, हमें जाना है छन्नी हिम्मत विवेक के पास। आगे लगा है ट्रैफिक पुलिस वालों का नाका, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है तो लगा लेना, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है और गाड़ियां जो है वो सीज़ हो रही हैं। फ़ाइन नहीं होता, चलान नहीं होता, सीधा सीज़ हो जाती हैं। तो बेटर है कि आप भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगवा लें, सेफ रहेगा। तो हम आ गए हैं मेन स्टॉप रेड लाइट पे, सो बी ए गुड सिटीजन एंड स्विच ऑफ द कार। आज प्रदीप जो कि इस टाइम कैमरा हैंडल कर रहा है, अपना गाड़ी नहीं लाया हुआ, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा ईशा के पास प्रदीप को, और वहाँ से मुड़ जाऊँगा छन्नी की तरफ। एक्साइटमेंट तो बहुत है, हेलमेट कुछ वाइट और रेड कलर का ग्राफिक्स है उसके ऊपर, ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिली थी, बट चलो आपको दिखाते हैं, हेलमेट अनबॉक्स करेंगे कैसा है, मैंने भी नहीं देखा है अभी, आज ही पहुंचा। छन्नी आते आते काफ़ी टाइम लग गया, अंधेरा हो गया, रात हो चुकी है, तकरीबन 8:30 हो गए हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। और ये आ गए हैं हम विवेक के घर, गली में पहुंच गए, वी हैव रीच्ड। लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बिजी इतना था। तो ये अब पैकेट तैयार है आपके नेक हाथों के लिए। चलो आप अनबॉक्स करो, इसमें नहीं करूं शुरुआत? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जनाब। मैं तब से वेट कर रहा था, मैं क्या भारत आएगा तो ये कुछ काम किया जाएगा, लेकिन पूरा दिन बिजी था और तू भी अपना बिजी था। FF390 हेलमेट है LS2 की, पैकिंग तो परफेक्ट लग रही है, अब देखते हैं।
काफी अच्छे से टिपिंग कर रखी है। वाओ वाओ क्या बात है। हाँ इसमें तो बैग भी है बीच में, ये तो प्रॉपर पैक्ड है, कैरी बैग भी इसमें साथ में है। ग्रेट वाह 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 वाह। LS2 और अच्छी वेट में भी अच्छी लग रही है, मींस की अच्छी। इसको ऐसे दिखाना घुमा के। राइट राइट LS2 यस ओके। वेट में भी अच्छी लग रही है। साइड पे करते हैं। कैरी बैग भी बहुत बढ़िया है और हेलमेट भी बड़ी स्टडी लग रही है, मतलब वेट से भी जो फील आ रहा है बड़ा स्टडी फील है हेलमेट का। बहुत बढ़िया पैकिंग है ताकि ट्रांजिट में इसको कुछ भी स्क्रैच या कुछ होने का चांस नहीं। बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स लग रहा है रेड और वाइट का। वाह ये तो वाकई मजा आ गया। अब इस हेलमेट को पहन के जब मेरे ख्याल से ड्यूल वाइजर है, एक सन वाइजर भी है। हाँ, सन वाइजर भी इसके बीच में है, वो आपको मैं यही ड्रॉप करके दिखाता हूँ। अच्छा इस लेबल लेबल लगा हुआ है। सन वाइजर के नीचे आप गॉगल्स भी पहन सकते हो, क्योंकि इस हेलमेट में ग्रूविंग है। मीन्स की अगर आप अंदर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर गॉगल्स के साइड के लिए ग्रूव बने हैं, तो आपको गॉगल्स पहन के बिल्कुल कंफर्ट महसूस होगा। तो गॉगल्स पहन के भी आप कर सकते हो। सन वाइजर यूज करना नहीं यूज करना आपके अपना डिसीजन है, लेकिन गॉगल्स आप तब भी मेन वाइजर के नीचे भी आप गॉगल्स पहन सकते हो। ओके और इसमें जो मैनेजमेंट है, इसमें बूशिंग साउंड नहीं आएगी राइड करते हुए। जो विंड की साउंड नॉर्मल हेलमेट्स में रहती है जिससे कि बाइकर डिस्टर्ब होता है, वो साउंड इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, जो कि इसकी स्पेसिफिकेशन का ही पार्ट है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी स्टर्डी हेलमेट है विथ फुल फेस कवरेज, तो सेफ्टी और राइडिंग कंफर्ट ये दोनों इस हेलमेट से हमें मिलने वाले हैं। और बहुत जल्दी इसका एक दूसरा हेलमेट भी आएगा ताकि हमारा पिलियन भी इस तरह की हेलमेट पहन सके। और साथ में हम कम्युनिकेशन गियर भी लेने का प्लान कर रहे हैं हमारा। और विवेक इसके अंदर एक चीज़ जो पहले मैंने देखी थी इसके मैनुअल में, यहाँ पर इसमें ये इन्होंने वेंट दिए हुए हैं। ये अच्छा। देखना कैसे खुलता है वेंट इसका आगे? अच्छा नीचे की तरफ एयर वेंट। हाँ एयर वेंट ये आगे से। राइट राइट फ्रंट में भी इसके एयर वेंट है। अच्छा उसका भी कोई रिलीज बटन है? ये है मेरे ख्याल से। राइट 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 तो एयर वेंट्स का मैकेनिज्म भी है। हाँ, इसके बैक साइड पे भी है एयर वेंट। एयर वेंट बैक जहां तक मेरा ख्याल है। तो एयर वेंट क्लोज और ओपन करने का यहाँ पे कुछ इसमें दिया हुआ है मैकेनिज्म होगा इसका यहाँ पे भी। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। एयर वेंट को ओपन और क्लोज हम मतलब इसके स्लाइडिंग मैकेनिज्म से कर सकते हैं। जैसे नीचे का जो एयर वेंट है ये मैं बाहर दिखाऊंगा आपको, ये स्लाइड करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। यस और ओपनिंग भी इसी पैटर्न पे है। यही जो टॉप का एयर वेंट है इसका भी एक रिलीज और लॉक बटन यहाँ पे है जिसके थ्रू हम इसको रिलीज या लॉक कर सकते हैं। यस तो प्रॉपर एयर मैनेजमेंट है इसमें, जिसमें कि बाइकर का प्रॉपर राइडिंग कम्फर्ट रहेगा। और जब हम इसमें कम्युनिकेशन गियर लगाएंगे तो हम आपस में बात करने में, कम्युनिकेशन गियर तो बहुत ज़रूरी है। हमने जो भद्रवाह की राइड की थी उसमें बाई चांस हमारे अभी ओपन फेस हेलमेट थे, राइट, मुझे वही लग रहा है कि अगर उसमें भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर हेलमेट पूरी फेस कवर होगा तो फिर तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमें बात करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, हम स्पीड स्लो अप करनी पड़ रही थी उस टाइम भी। तो आई रियली लाइक द हेलमेट, मुझे तो ग्राफिक्स बहुत पसंद आया इसका, जो मैट फिनिश में रेड और ऑरेंज और वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बड़ी स्पोर्टी लुक है इसकी। तो अब हमें जो आप रिलीज बटन नीचे की बात कर रहे थे, वो ये इसका नीचे से भी कंट्रोल है जो सन वाइजर है। अगर आप देखेंगे यहाँ स्लाइडर है इसका, सन वाइजर को आप डाउन करने के लिए यहाँ पे स्लाइडर है। ये थंब से आप कर रहे हो? थंब से यहाँ स्लाइड कर रहे हैं। ओके ओके ओके, मतलब इंस्टेड ऑफ यहाँ से रिलीज और करने के, मतलब जैसे अगर आपका वो ट्रांसपेरेंट वाइजर लगा हुआ है तो आप बाइक राइड कर रहे हो तो यहाँ से अपने थंब से आप इसको प्रेस करोगे तो वो सन वाइजर इसी के थ्रू हम इसको रिलीज कर सकेंगे। और बहुत ही अच्छा फीचर है। तो ये आपका, अब मेरे ख्याल से हमें नेक्स्ट राइट जल्दी प्लान करना पड़ेगा हेलमेट का। आप थोड़ा टाइम निकालें और लुत्फ लेने के लिए पूरा और बहुत बढ़िया। होल्डिंग स्ट्रैप्स भी बड़ा स्टर्डी है और मेटालिक ग्रिप है और रिलीज मैकेनिज्म भी बड़ा कंफर्टेबल है। ये एक आप देख रहे हैं कि रिबन शॉट बनाए यहाँ पे, इसको हम जब ऊपर की तरफ खींचते हैं और ये रिलीज बड़ी इजीली है और लॉकिंग मैकेनिज्म भी बड़ा परफेक्ट है। तो ये पहन के अच्छा कंफर्ट आने वाला है और राइड में
किसी भी तरह का हेलमेट का मूवमेंट जो है सिर पे नहीं होने वाला, जिससे कि सेफ्टी और भी इंश्योर हो जाएगी, क्योंकि हेलमेट में नॉकिंग नहीं होगी तो वो ज़्यादा सेफ्टी हमें प्रोवाइड कर सकती है। और बाकी है कि पहनने के बाद सही फील इसका आएगा, तो वो भी एक बार देखते हैं पहन के, ट्राई किया जाए। परफेक्ट फिट है इसका तो, और वेक मैं हथौड़ी मारूं, हथौड़ी मार के देखो कुछ होता है कि नहीं होता। भारत टेस्ट करने वाला है इसके, इसकी स्टर्डीनेस टेस्ट करने के लिए भारत ने हाथ में हथौड़ी उठा ली है। होप कि ये आर पार होने वाली नहीं है, क्योंकि हेलमेट जो है वो इसी काम के लिए बनी है, तो हथौड़ी से मुझे तो कुछ नुकसान होने का नहीं है, थोड़ी ना टूट जाए। तो ये देखते हैं जरा, भारत अपनी थोड़ी इस पर आजमाने वाला है।